दरवाजा खोलो, मेरे को अंदर जाने दो। लगता है तुम दोनों जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। कौन है ये? लगता है ये बहुत बड़ा जिन है। अगर नाराज हो गया हम लोग का क्या होगा? अरे हमारी नौकरी चली जाएगी। लगता है मेरा आइडिया काम आ गया। क्या है क्या तुम दोनों के समझ में नहीं आ रहा? हाँ अभी है ना, मेरा दिमाग घूम रहा है। अभी देखो मैं तुम दोनों का क्या करता हूँ। अभी मैं तुम दोनों को मेंढक बनाता हूँ। हमने सोचा था सही है, बहुत बड़ा जीन है। खोल दो, खोल दो दरवाजा, खोल दो। ठीक है खोलता हूँ, अभी खोलता हूँ। बाल बाल बच गए तुम दोनों मेरे जादुई कहर से। धन्यवाद जिन। वैसे आपका नाम क्या है? Myself Vicky। विकी? जिन विकी। जिन बड़ा जिन। हाँ हाँ बड़ा जिन, मेरे हाइट पे मत जाना। हाँ और सुनो, चारों तरफ देखते रहो, कोई अंदर ना आए जी। ओके क्या बात है भाई, बहुत अच्छा सीख रहा है। अच्छा एक बात बताइए कि आप वो जंप मार के नीचे जा सकते हैं? नीचे मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि आप में हीरो बनने के सारी क्वालिटीज मौजूद हैं। छा गए आप लोग, छा गए। पर्दे पे आ गए ना, पर्दे पे, बड़े पर्दे पे, तो पर्दे पे आग लग जाएगी माशाल्लाह। क्यों जॉनी पार्टनर? बिल्कुल ठीक बात कही मेरा पार्टनर, बिल्कुल ठीक बात कही भाई। ये दोनों तो कमाल के जिन है, कमाल के भी नहीं धमाल के जिन है। हिट है, हिट भी नहीं सुपर डुपर हिट है। पर देखो एक्शन एक्शन तो हो गया, अब बारी है थोड़े रोमांस की, थोड़े इश्क मोहब्बत की। अरे नहीं नहीं नहीं, वो बड़ा मुश्किल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, यही तो मार खा गए ना ये लोग। अरे भाई व्हाई नॉट पॉसिबल, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, बताओ बताओ। और नहीं तो क्या, जो हीरो होता है वो तो हीरोइन को कैद से छुड़वाता है, और इन्होंने तो हीरोइन को पिंजरे में कैद कर रखा है। अबे काम विलेन वाले तो हीरो कैसे बनेंगे? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वेला पार्टनर, ये लोग एकदम महान बड़े जिन है, वो की नहीं। हाँ देखा है, ये लोग तो चुटकियों में हीरोइन को आजाद करके हीरो बन सकते हैं। तो भाई कर सकते हो कि नहीं? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अरे मानना पड़ेगा, करोगे कि नहीं? हाँ इज्जत का सवाल है भाई। बेशक देखा, बेशक बोला, करके दिखाइए, करके दिखाइए। क्या बात है, क्या बात है। ये हुई ना हीरो वाली बात, लेकिन अभी और भी बाकी है भाई। हीरो को हीरोइन के साथ रोमांटिक सीन भी करना पड़ता है। इश्क विश्क? ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी भाई, सीधा हीरोइन के साथ। नहीं पहले रिहर्सल तो कर लो सीन की। हाँ। ये क्या होता है? रिहर्सल नहीं पता? कमाल है। अरे भाई रिहर्सल का मतलब क्या कहते हैं, अभ्यास। अभ्यास, अभ्यास। ओ नहीं वो, हाँ मान लीजिए कि ये आपकी हीरोइन है, आपको इनके साथ अभ्यास करना है, तो कैसे करोगे अपनी मोहब्बत का इजहार, कैसे करोगे? अरे भाई आप थोड़े अदाएं दिखाओ, चंद्रमुखी पारो बन जाओगे, थोड़ी नजाकत, नजाकत। वाह 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 वा। बताइए कैसे करेंगे आप? हाँ ये हुई ना हीरो वाली बात। दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, ये लो जिंजाबिर। अरे मतलब हीरोइन। अरे ऐसे कैसे ले? हीरोइन ऐसे नहीं लेती इतनी आसानी से, थोड़ी थोड़ी अदाएं दिखाओ, थोड़े इतराओ, थोड़े नखरे दिखाओ, नजाकत दे दो वापस। और तुमने ऐसा कैसे दे दिया? अरे भाई प्यार से दो, घुटनों पे आओ। हाँ ये तो अब भी नहीं मान रही भाई, अब हीरोइन को बनाने के लिए ना नाचना गाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानती हीरोइन। तो वेला पार्टनर और हम करते हैं
और आप लोग हमें देख के कुछ डांस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? तो चलो म्यूजिक। पता नहीं अंजनी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कैसे होगी, इतने बड़े जिनलैंड में मैं जिनी को ढूंढूंगा कैसे, किसी को पूछूं? नहीं समझ में नहीं आ रहा, करूं क्या? हाँ वहाँ वहाँ चहल पहल है, वहाँ चल के पूछता हूँ जिनी कहाँ है। ए भगवान प्लीज जल्दी से जिनी से मिलवा दे, प्लीज 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 प्लीज। तो रोज मुझे इसी तरह अपने जादू से अलग अलग डिश बनाकर खिलाती थी। चिजू, अच्छे बच्चे के पास गोभी का पराठा था। ये रहे आपके गर्मा गर्म परौठे, आटा कम और घी ज्यादा और साथ में लस्सी भी। आइए आइए आइए, इस कालीन को ले जाइए, देखिए कितना कमाल का है जादुई कालीन। आइए इस पर बैठिए और जहाँ दिल चाहे वहाँ उड़कर चले जाइए, कितना कमाल का है ये मेरा कालीन। आइए सोचिए मत, तुरंत ले जाइए। आइए मेरे भाई, आप भी आइए, आप भी ले जाइए, क्या कमाल का है मेरा कालीन। जादुई कालीन, ऐसे ही कालीन पर बिठा कर जिनी ने मुझे सैर कराई थी। प्यार की है बातें, कुछ अनकही मुलाकातें, वो ऐसे ही मिलते हैं, मिलके मचलते हैं तो दिल जवान। लीजिए साहिबान, जादुई चश्मा लीजिए, इसमें दिखाई देता है बीता हुआ कल, और इस चश्मे से आप देख सकते हैं अपना आने वाला कल। तो देर किस बात की, लीजिए साहिबान ये जादुई चश्मा लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही चश्मे में मिस डिमेलो में मुझे जीनी दिखी थी। एक्चुअली आप इन्हें पहन लीजिए, आई थिंक आप में सूट होंगे। लीजिए लीजिए, इससे आप अपना भविष्य देख सकते हैं और जो बीत चुका वो भी देख सकते हैं। साहिबान ये जादुई चश्मा बड़ा काम आती है। नहीं चाहिए। जादू के फल ले लो, जादू के फल, ऐसे फल कहीं नहीं मिलेंगे। सेव से संतरा, संतरा से केला, केला से अनानास बन रहा है, देखिए। आइए जनाब आइए, चमत्कारी फल लीजिए, आइए। सेव से संतरे, संतरे से केले, केले से अनानास बन गए। आइए भाई साहब चमत्कारी फल लीजिए, ऐसे ही फल हैं ये, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। लीजिए लीजिए, जो चाहो वो हो जाए। जादू के फल, जीनी भी तो मस्ती मस्ती में अपने जादू से मेरे मुंह में सेब ठोसती थी।
जादुई बाजार तो मैंने सिर्फ किस्से कहानियां या तो फिल्मों में देखा था। वैसे माहौल में मैं जीनू को कहां ढूंढूं? जिया को फोन करता हूं। क्यों दे रहा है? क्या है, लग क्यों नहीं रहा है? लगता है जिनलैंड का नेटवर्क सही नहीं है। अब क्या करूं? अरे यार, क्या कर रहा है विक्की? विक्की का तो फोन ही नहीं लग रहा है। अरे हाँ जिया, मैं तुम्हें फोन कर रहा था। कहाँ हो तुम विक्की? मैं पहुंच गया, जिनलैंड पहुंच गया। मैं एक जादुई बाजार में हूँ। बहुत अद्भुत सी दुनिया लग रही है मुझे। मैं तो ये सोच सोच कर हैरान हो रहा हूँ कि मेरे लिए जीनी ने इतनी कमाल की दुनिया कैसे छोड़ दी। अच्छा सुनो, हेलो जिया, जो सोचा वो किया। सुनो, ये ट्विन टावर है ना, मेरे इर्द गिर्द घूम रहे। क्या? अरे वो जिन जिन होते ना, छोटे जिन वो। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद उनको मुझ पर शक हो गया है। अब मैं क्या करूँ? ऑफ कोर्स तुम्हें घूरेंगे विक्की, क्योंकि तुमने धरती लोक के कपड़े पहने हुए हैं। तुम्हें वहाँ पर जिन लोग के कपड़े पहनने पड़ेंगे। वहाँ पर कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनता। अरे तो क्या पहले मैं शॉपिंग करता फिर यहाँ आता? कैसी बात करती तुम? नहीं बाबा, जैसा देश वैसा भेस। तुम वहाँ पर पायलट की यूनिफॉर्म में हो, तुम्हें वहाँ पर जिन लोग के कपड़े पहनने होंगे। एक काम करो, वहाँ पर किसी भी कपड़े की दुकान पर जाओ और अपने लिए जिन लैंड का कॉस्ट्यूम ले लो। ओके? अच्छा, तुम्हारे जिन लैंड में इंडियन करेंसी चलती है? नहीं, मेरे पास यहाँ की करेंसी नहीं है, तो क्या करूँ मैं? विक्की, तुम इतने बड़े पट्टीबाज हो, यहाँ पर सबको पट्टी पढ़ाते रहते हो, और वहाँ जिन लैंड में तो एक स्माइल से भी काम हो जाता है। ये वाला चलेगा? देखो, टाइम वेस्ट मत करो, जो करना है जल्दी करो। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। अच्छा ठीक है, मैं फिर फोन करता हूँ, उठाना, बाय। मैं ये सोच रहा हूँ, जिसको हमने जिनलैंड के अंदर छोड़ा, वो कहीं सचमुच का जिन है क्या? मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन उसने अपना नाम तो विक्की बताया था। लेकिन हमारे जिनलैंड में तो सभी जिन लोगों का नाम ज से शुरू होता है, जैसे तुम जिन जील, मैं जिन जीत। एकदम सही कहा, इसका मतलब कि हमने जिनलैंड के जिन को नहीं, लेकिन किसी बाहरी दुनिया के आदमी को जिनलैंड के अंदर जाने दिया है। हाँ, और हमने उसका पहचान पत्र भी नहीं मांगा। अरे ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, अगर उसने कुछ अंदर जाके उल्टा सीधा कर दिया तो हम दोनों को तो उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। लेकिन अब क्या करें, चलो चल के उसको पकड़ते हैं। हाँ चलो चलते हैं। अरे यार ये क्या है, सारा जिनलैंड का बाजार छान मारा लेकिन कपड़े की दुकान कहीं नजर नहीं आई। अबे अबे ये देख, इसी शक्ल का था ना वो। एक बात मैं देता हूँ। अबे इसी शक्ल का नहीं, ये तो वही है। पकड़ इसको, हमको पकड़ो। से मेरे टेडी बियर को पकड़ोगे? अबे मैं जर चकाती हूँ। अब बच के कहाँ जाएगा? अरे झील, ये कहाँ गायब हो गया? कहीं असली जिन तो नहीं है? अरे अगर ये असली जिन होता तो इसने अपना असली नाम क्यों नहीं बताया? चलो ढूंढते उसे, चलो। उस तो गड़बड़ है। चल चल चलो। अरे मेरा यकीन करो नील। कमल, नील कमल, अरे बाप रे, मैं यहाँ कैसे आ गया?
वहां से मुझे किसने गायब किया? कहीं जीनी? जीनी तो नहीं है यहाँ? जीनी? जीनी? जीनी नहीं, झंझन। अरे झुनझुन, तुम मतलब तुमने मेरी जान बचाई? हाँ, मैंने बचाई, तो इसी बात पे दे डाली। वैसे टेडी यहाँ पे अबे आए कैसे? क्या बताओ झुनझुन, तुम्हारी टीचर जीनी है ना, उसे किसी जिन ने किडनैप कर लिया है, उसी को ढूंढने के लिए इधर आया हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? यह है कि जिनलैंड में मैं तुम्हारे जिनलैंड के लोगों की तरह दिखता नहीं हूँ। अगर किसी ने मुझे पहचान लिया और मैं पकड़ा गया तो तुम्हारी टीचर जीनी को ढूंढूंगा कैसे? काश काश मेरे पास तुम लोगों जैसे कपड़े होते। सही ना, आधे कपड़े। झुनझुन, ये तुमने किया? नहीं। तो फिर ये? हाँ? टेडी बेयर, आप तो एकदम भुलक करो। आपको ये नहीं पता, झुनझुन जिसको ताली देती है ना, उसकी एक विश पूरी हो जाती है, इसलिए आपकी एक विश पूरी हो गई। जिसको मैं ताली देती हूँ ना, मेरे अंदर की शक्ति उसमें चली जाती है और उसकी एक विश पूरी हो जाती है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ याद आया। अरे हाँ झुनझुन, अगर ऐसा है तो प्लीज एक ताली और दे दो। क्यों? अरे तुम्हारी टीचर जीनी को ढूंढते वक्त अगर मैं किसी मुसीबत में फंस गया तो तुम्हारी दीवी विश मेरे काम आ जाएगी ना। हाँ, तो इसी बात पे दे ताली। चलो टेडी बेयर, जीनी टीचर को ढूंढते चलो। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं झुनझुन, तुम नहीं। देखो मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, इसीलिए बच्चा तुम घर जाओ। अरे टेडी बेयर, अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो आपकी हेल्प कर पाऊंगी ना। हाँ चलो। तुम अपने टेडी की बात नहीं सुनोगी? हाँ, तुम्हें टेडी की कसम। जाओ। बाय बाय, आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? थैंक यू। जाओ। जीनी। झुनझुन झुनझुन, बुरी खबर है। क्या? इस जिनी का जुजू जिनलैंड में आ गया है। जिनलैंड में? ये देखिए। देखा, मैंने कहा था ना मेरे जीजू आएंगे और मुझे बचा के लेके जाएंगे। अब तुम मुझे कैसे कैद करोगे बताओ? देखा, मेरे जीजू आ गए। जिंजू ना, वैसे तो जीनी का ये जीजू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर भी हम हमारी योजना में किसी प्रकार की भी कोई भी बाधा उत्पन्न होने देना नहीं चाहते। तुम एक काम करो, धरती के इस प्राणी को गिरफ्तार करो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.